अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका? खैरियत से ही उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, चाइनीज़ रेसिपी है, और मैं आपको आसान तरीके से बताना सिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जलफरेजी। चिकन जलफरेजी का नाम सुनती है आप कहेंगे बहुत मुश्किल सी रेसिपी है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान और बहुत ही कम चीज़ों से बनती है। तो इसके लिए जो जो चीज़ इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ। ये हमने लिए हैं चिकन, ये बोनलेस जो चिकन होता है, सीने का गोश्त, ये वही है। और इसको आपने इस तरह लंबाई के शिकन में काटना है। इसकी ये है कि चिकन जलफरेजी में इसी तरह आपने काटना है, लंबाई के शिकन में आपने पूरी पीसीस को इस तरह पतले पतले लंबाई के शिकन में काटना है। और ये मैंने लिए है लहसुन, अदरक इसमें नहीं है, ये सिर्फ लहसुन है और इसको मैंने पीसा हुआ नहीं है, ये तकरीबन मैंने जैसे चॉप किया हुआ है, तकरीबन 1.5 चम्मच है। ये है प्याज, इसको क्यूब्स की शिकल में काटें, तकरीबन 1 बड़ी मैंने प्याज ली है। और ये है शिमला मिर्च 1 बड़ी साइज़ की, वो भी मैंने क्यूब्स की शिकल में काट ली है। और 1 टमाटर, इसके मैंने बीज जो है वो निकाल दिया और इस तरह मैंने स्लाइस की शिकल में काट दिए हैं। और ये अंडा, तो ये चीज़ें इसमें शामिल होंगी और कुछ मसाले भी इसमें हम ऐड करेंगे। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए फ्राई पैन और इसमें डालेंगे हम ये कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल और फ्लेम ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है जो एक अंडा, उसमें हमने ये फूड कलर जो है ऑरेंज कलर का, ये ज़रूर आपने इसमें डालना है, एक चुटकी सी फूड कलर और थोड़ा सा नमक। तो इसको हम अच्छी तरह से पैंट लेंगे, फूड कलर ज़रूर इसमें जाएगा। फूड कलर और नमक हमने अंडे में मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, इस तरह आपने पिला लेना है। अच्छी तरह से एक साइड से पक जाए तो आपने इसे दूसरी साइड चेंज कर लेनी है। ये तैयार हो गया, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमने वही फ्राई पैन लिया, उसमें से हमने अंडा प्लेट में डाल दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए। तो इसमें हम 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसमें हम ये चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। ये इसका जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। इसका कच्चापन ख़त्म हो गया तो हम यहाँ पे ये चिकन डाल देंगे। तो चिकन को हम फ्राई करेंगे तब तक जब इसका कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन चिकन में आ जाए। उसी लहसुन में हमने अब और कुछ नहीं डाला इसमें, चिकन गोल्डन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे सोया सॉस तकरीबन 2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर तकरीबन 1/2 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और नमक हंसने जाएगा। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लें। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। चिकन रेडी हो चुके हैं, अब हम इसको साइड पे रख दें ताकि ठंडा हो जाए। यहाँ पे हमने दूसरी कढ़ाई ली है और इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। और इसमें हम ये शिमला मिर्च जो हमने क्यूब्स की शिकल में काटी है तकरीबन 1 कप ये डाल देते हैं।
शिमला मिर्च थोड़े से हमने फ्राई कर ली है, अब यहाँ में हमने प्याज जो है वो डाल देते हैं, इसको भी थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसमें हम 2 चम्मच सोया सॉस डाल देते हैं। और ये हमने जो टमाटर काटे हैं ये इसमें डाल देते हैं। और ये केचप जो है इसका पूरा इसका पैकेट ये डाल देते हैं, एक पैकेट तकरीबन 1 कप के तकरीबन करीब हो गए ये। और जब भी आप चाइनीज फूड बनाएं तो उसको तेज आंच पे बनाएं, हल्की आंच पे ना बनाएं। और जो हमारे पास ये चिकन है ये डाल देते हैं। और ये हमारे पास जो अंडा का है ये हमने छोटे छोटे पीसेस काट के ये डाल। बहुत अच्छी खुशबू इसकी है, तो आप देख सकते हैं हमारे जो चिकन जलफरेजी है वो तैयार हो गए हैं, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हमारा जो चिकन जलफरेजी है वो रेडी हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त इसका जायका है, बहुत मज़े के बना हुआ है। तो आप भी मेरी रेसिपी को इसी तरह ट्राई कीजिए और अपनी दुआ में शामिल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।